असंगठित कामगारों की वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का जिला में शुभारंभ उपायुक्त डॉक्टर ऋचा वर्मा ने किया। स्थानीय हमीर भवन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने बताया कि जिला में इस योजना के तहत अब तक 650 कामगारों का पंजीकरण कर दिया गया है, जो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है। उन्होंने इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना का लाभ उठाने का आह्वान करते हुए कहा कि योजना के तहत पेंशन धारकों को 60 वर्ष की आयु के उपरांत न्यूनतम 3000 रुपए की निश्चित पेंशन मिलेगी और यदि पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी या उसके पति को पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके लिए उन्हें कम से कम 55 रुपए और अधिकतम 200 रुपए मासिक तौर पर जमा करवाने होंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए पेंशन का प्रावधान किया गया है। जिला हमीरपुर में अब तक 650 लोगों को इसमें एनरोल किया जा चुका है और आगे भी हम ये मानकर चल रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस स्कीम के अंडर एनरोल करेंगे और इस स्कीम का बेनिफिट असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मिलेगा, जिसमें कि 60 साल की वर्ष आयु के बाद 3000 रुपये महीना तक की पेंशन का प्रावधान इसमें किया गया है।